सो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ वीवो Y33T मोबाइल में रिंगटोन कैसे लगाया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपके मोबाइल में कोई MP3 का सॉन्ग पड़ा है उसको आप रिंगटोन में लगाना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। तो कंप्लीट A to Z जानकारी आप लोगों को इस वीडियो से मिल जाएगी, तो ज़्यादा मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल की सेटिंग को आप लोगों को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे साउंड का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस साउंड के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फ़ोन रिंगटोन का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितनी भी रिंगटोन हैं ये टोटल दोस्तों आपके मोबाइल में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अगर इनमें की कोई भी रिंगटोन आपको पसंद है तो उस पर आप टिक लगा दोगे तो दोस्तों वही रिंगटोन आपके मोबाइल में लग जाएगी। अगर फ्रेंड्स कोई MP3 का गाना पड़ा है उसको रिंगटोन में लगाना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ दोस्तों देखिए कस्टम रिंगटोन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जितने भी MP3 के सॉन्ग आपके मोबाइल में पड़े हैं या रिंगटोन पड़ी है टोटल दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगी। तो दोस्तों जो रिंगटोन आपको MP3 की पसंद है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद दोस्तों यही रिंगटोन आपके मोबाइल में सक्सेसफुली लग जाएगी। तो इसी प्रकार से आप अपने मनपसंद के रिंगटोन लगा सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से।